तो टाइम हो गया है चेकआउट करने का माँ रेसिडेंसी से। होटल का नाम था माँ रेसिडेंसी, जैसा कि कल मैंने जम्मू में अपना प्रस्थान किया था। और कितनी सवारी और उठेगी, कितनी सवारी और आएगी अभी? अभी तो चार आना, हाँ चारों और चार उठेंगे, आठ हो गया। तो बोले छः सात आठ, तुम्हें तो ये होगा ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। सर आपने अपनी सीटें पकड़नी, आप सीट के हिसाब से ले शेयरिंग ले रहे हैं, गाड़ी बुकिंग थोड़े कर रहे हैं। गाड़ी बुक नहीं कर रहे, मतलब ये कितनी की सीट है ये? सर आठ सीट, नौ बिठाते हैं, आठ ही लेके जाएंगे। ओके श्रीनगर का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 300 किलोमीटर है और टाइम लगने वाला है तकरीबन 6 घंटा लगेगा अगर रोड का कंडीशन अगर ठीक रहा, अदरवाइज़ टाइम और भी ज़्यादा लग सकता है। ये है हमारा गाड़ी टवेरा, थोड़ा सा पुराना है बट चलेगा। और इस गाड़ी के लिए हम लोगों ने पे किया, मैं बताता हूँ कितना पे किया जम्मू से श्रीनगर तक का। ये टवेरा चार लोगों के लिए हम लोगों ने पे किया 3200 रुपया, यानी 800 रुपये पर हेड। और मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो शायद पिछला ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा, और मैं जब यहाँ पे आ रहा था मतलब जम्मू में आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इंक्वायरी करके पूछा था कि एवरेज रेट कितना है श्रीनगर से जम्मू का, सॉरी जम्मू से श्रीनगर का। तो बाकी सारे लोगों ने ही बताया इतना ही रेट है, 800-700, सब लोगों ने इतना ही रेट बताया। मैंने तो भाई 800 रुपये दिया, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ये जो रेट है ये ठीक ठाक है, मैंने ज़्यादा दिया या कम दिया या एक्चुअल रेट क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जम्मू में खैर लग रहा था अपना, वो सिटी वाला ही फीलिंग आ रहा था, दिल्ली मुंबई वाला ही फीलिंग आ रहा था। लेकिन जब जम्मू से हम ऊपर उठना शुरू किए, श्रीनगर की तरफ जब जाएँ, तो जो लैंडस्केप है वो थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो गया। तो बाकी थी ये यहाँ की कहानी। और भैया यहाँ पे एयर वगैरह रिफिल कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी ये प्रिपेयर कर ले रहे हैं। और रास्ता काफ़ी लंबा है, सफ़र भी काफ़ी लंबा है, तो आगे मैं अपडेट करता हूँ। अभी मैं हूँ समथिंग बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर, इस तरफ से मैं आया, जम्मू इस तरफ है और श्रीनगर इस तरफ है, और ये है जम्मू और श्रीनगर की हाईवे। और यहाँ पे एक छोटा सा हम ब्रेक लिए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सुबह कुछ खास नाश्ता हो नहीं पाया, बस चाय ही मैंने पिया है। और यहाँ पे शॉप्स हैं, नॉन वेज और वेज दोनों का शॉप्स है। चूँकि जम्मू फेमस है वैष्णो देवी के लिए, तो एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है जिसका नाम है वैष्णो देवी ढाबा टाइप ऐसा कुछ, तो वहाँ पे आप वेज ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। मैं भी जब ट्रैवलिंग करता हूँ तो वेज को ही प्रेफरेंस ज़्यादा देता हूँ, और अंदर जाता हूँ देखता हूँ क्या क्या अवेलेबल है। तो इस प्लेस पे आप आ सकते हैं और ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। बाकी सारी गाड़ियाँ भी यहीं पे जैसे कि रुकती है। क्या क्या अवेलेबल है? पराठा वगैरह है, डोसा मिलता तो यार मज़ा आ जाता। पराठा तो लेंगे, पराठा लिया है तो यहाँ पे ऑप्शन है। ब्रेकफास्ट अगर कीजिएगा तो पराठा है, आलू पराठा है, प्लेन पराठा, पनीर पराठा है, पराठा वाला ऑप्शन है। बस ब्रेकफास्ट में पराठा का ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज आप थोड़ा सा और अच्छा मील, हैवी मील लेना चाहते हैं तो चावल राजमा है, राजमा चावल भी आप ले सकते हैं। मुझे मन कर रहा था एक डोसा मिल जाता तो डोसा में मज़ा आ जाता है। राजमा चावल तो ऑर्डर आने दीजिए, दिखाता हूँ ऑर्डर कैसा है, हमारा पराठा कैसा है और प्राइस क्या है। तो जैसा कि हमारा ऑर्डर आ गया है और जैसे कि हम लोगों को ऑर्डर किया है, ये पराठा मैंने लिया है, पराठा के ऊपर अजवाइन का फ्लेक्स है और चना मसाला है, दही है, अचार है। और भाई लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया था,
इनके खाने की स्टाइल से पता चल रहा है कि बहुत बहुत देर से ये भूखे थे। टनल पार किया, उस टनल को पार करने के बाद ही कश्मीर शुरू हो जाता है। और कश्मीर में घुसते वक्त यहाँ पे बहुत सारा बूथ है, केबिन्स है, यहाँ पे रैपिड टेस्ट होता है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये सारे जो काउंटर से बूथ है यहाँ पे रैपिड टेस्ट होता है। मैं फटाफट रैपिड टेस्ट करवाता हूँ और उसके बाद फिर आगे निकलता हूँ। कोलकाता मेरा दोनों डोज हो गए, कोलकाता में अभी तुम्हारे 9804। तो गाइज मैं हूँ अभी काजीकुंड में, काजीकुंड में मैं पहुँच गया हूँ। और यहाँ पे जैसा कि मैंने रैपिड टेस्ट कराया और रैपिड टेस्ट मेरा बस 2 मिनट के अंदर रैपिड टेस्ट हो गया और ये मेरा रिजल्ट है, नेगेटिव आया है मेरा रैपिड टेस्ट। फ़र्क नहीं पड़ता आप डबल डोज वैक्सीनेटेड हो या नहीं, रैपिड टेस्ट आपको कराना होगा। और सामने जैसा कि मैंने दिखाया ये सारी बूथ्स है रैपिड टेस्ट के लिए। और फटाफट इन लोगों ने मुँह से स्वैब लिया, डाला अपने किट में और फटाफट रिज़ल्ट मिल गया। 2 मिनट में बस रिज़ल्ट मेरे हाथ में आ गया और नेगेटिव है, नेगेटिव है। वो तो हम पहले से ही पता था कि हम नेगेटिव हैं, बस हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है। और सो यहाँ से दूसरा डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है जो टनल हम पार किए हैं। अपनी वीडियो बना रहा है। सो एक बार फिर से करते हैं शुरू। ये रैपिड टेस्ट जो रिज़ल्ट है इसे मैं अपने हाथ में रख रहा हूँ और मतलब थोड़ा संभाल के रख रहा हूँ। और आप भी अगर इस तरफ आइए तो संभाल के ही रखिए, क्योंकि आगे कहीं भी अगर टेस्ट होगा या फिर आप होटल में जब चेक इन करोगे मे बी दे विल आस्क डू यू हैव रैपिड टेस्ट और एंटीजन, रैपिड टेस्ट और RT-PCR या डबल डोज वैक्सीनेटेड, तो उस टाइम मैं इस रिपोर्ट को दिखा सकता हूँ। बाकी आगे अपडेट करता हूँ। चलो आप ऐसे ही बोलो। ओ एक गुल पी लो पानी यार, एक गुल पी लो। ठंडा है क्या? ओ हाथ मार के देखो ये पकड़ता है। क्या बोलता है भाई? मोबाइल दुकान है कहीं? आप सेंस पे होगे ब्रो, मैं आपको कार्ड दिखाता हूं। दिख रही ब्रो कैसा पानी? बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है। मेरा थोड़ा सिर दर्द कर रहा था, पानी एक बार मुंह धोया ना बस सारा सिर दर्द गया तेल लेने। बाप रे बाप, वो ये अंदर से निकलता है पानी। ओ भाई साहब, वो ये अंदर से निकलता है। एक मिनट, इतना ठंडा पानी में छोड़ के नहीं जाता था। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। करो करो जल्दी, करो जल्दी। अब होटल होना एक ग्लास पर। अच्छा भाई कर दो बंद, बंद कर दो ऊपर से। तो उसको पकड़ सॉफ्टी कितना का है? 50 दे दीजिए। कौन कौन सा फ्लेवर है? मैंगो वनीला दोनों का मिक्स। आप मैंगो दे दीजिए। सो फाइनली मैं पहलगाम पहुंच गया हूं। पहलगाम पहुंचते ही मैंने एक सॉफ्टी लिया 50 रुपए का। सॉफ्टी खाने का मज़ा ही कुछ और है। मज़ा और ज़्यादा तब आता है जब मेरे दोस्त ये देख रहे हैं और मैं खा रहा हूं। वही तो, तू अकेले गया कब ले लिया? पता ही नहीं। दिखा दिखा कर खाने में और ज़्यादा मज़ा आता है।
तो वेलकम टू पहलगाम। पहलगाम खा के खा रहा है, इसका पेट खराब होगा। नहीं होगा, मैं शैतान हूँ, शैतान का पेट है। टेस्ट अच्छा नहीं है। तो वेलकम टू पहलगाम। पहलगाम हम पहुँच चुके हैं। पहलगाम मैं एक्चुअली ठंडा खा रहा हूँ तो मुंह जबान फिसल रहा है। पहलगाम हम पहुँच चुके हैं और ये है मेरे पीछे पहलगाम का मार्केट एरिया, आप देख सकते हैं। और पहलगाम में आते ही पहलगाम का एंट्री एक सॉफ्टी के साथ मैंगो फ्लेवर। सो फाइनली हमें एक होटल मिल गया है। होटल का नाम है ब्राइट पैलेस। वैसे इस होटल को मैंने ऑनलाइन देखा था, बट मैंने मुझे पता नहीं था कि इस होटल में ही मैं आऊँगा। तो मेरे जो ड्राइवर है वो ड्राइवर थे और उनके साथ एक और कोई उनका एक्वेंटेंसेस था, उनका साथ भाई था। तो वो हमें इस होटल ले आए और हमें होटल का रूम टूर करवाया। तो हमें होटल ठीक ठाक लगा और जो प्राइस है, प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। टू नाइट्स के लिए वो 2000 रुपये बता रहे हैं, मतलब पर नाइट 2000 रुपये, एक नाइट के लिए 2000 बता रहे हैं। दो रात के लिए तकरीबन वही 4000 के आसपास में मिल रहा है। तो ये था होटल, होटल का नाम है ब्राइट पैलेस। रूम हम लोगों ने एक ही रूम लिया है। और तो ये हैं कश्मीर के उबैद भाई और ये हमारे साथ जम्मू से यहाँ पे। पहले हम लोग का प्लान था श्रीनगर जाने का, लेकिन एक्सीडेंटली हमारा प्लान चेंज हो जाता है और जम्मू से हम पहलगाम आते हैं। और ये हमारे साथ जम्मू में एक साथ ही हमारे साथ ये गाड़ी पकड़े थे। इस गाड़ी के साथ जम्मू से हम लोग एक साथ पहलगाम आए और इन्होंने बहुत हेल्प करी। और जैसे कि मैं बात कर रहा था सिम कार्ड मुझे एक्चुअली अभी मिल गया है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो सिम कार्ड हम लोगों ने लिया है। और वो सिम कार्ड हमें मिला कैसे? इनकी बदौलत। इन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी, दैट्स वाई हमारे पास सिम कार्ड मिल गया है। अब उस सिम कार्ड को मैं अपने पास रखूँगा क्योंकि मेरे फैमिली में भी कुछ लोग जाने वाले हैं कश्मीर में। मेरे फ्रेंड्स फैमिली में भी बहुत फ्रेंड्स सर्कल में भी बहुत लोग हैं, तो उस सिम कार्ड को मैं इधर उधर मतलब लोगों को दे सकता हूँ, मतलब एक्वेंटेंसेस में। अगर आपको कश्मीर आने का प्लान है तो आप उबैद भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उबैद भाई का मैं नंबर क्या करता हूँ डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो आप उबैद भाई के साथ यहाँ पे कश्मीर में पहलगाम में ट्रैवल कर सकते हैं। और इन्होंने एक मुझे एक और एक मतलब दिलासा दिया है कि ये मुझे अपना सेव का गार्डन ले जाएंगे, एप्पल गार्डन मुझे ले जाएंगे और हमें एक मतलब एक खास टूर करवाएंगे एप्पल गार्डन का। मुझे एप्पल गार्डन देखने का बहुत शौक था, मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा एप्पल गार्डन का। मुझे एप्पल गार्डन देखने का बहुत शौक था, तो वो शौक ये मिटाएंगे, ये भाई साहब इनका खुद का एप्पल का गार्डन है और ये हमें उस एप्पल का गार्डन ले जाएंगे। तो देखते हैं, वो व्लॉग भी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि एप्पल तो हम अपने घर में बैठे बैठे बहुत खाते हैं, बट कश्मीर से पेड़ से तोड़ा हुआ एप्पल खाने का मज़ा भाई कुछ और ही है। ये है हमारा होटल और होटल के सामने एक किसी ने यहाँ पे कैंप भी लगाई है और ये है होटल। होटल कैसा? बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे ही जस्ट बोल दिया बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, रूम भी अच्छा है, रूम भी अच्छा है, रूम भी अच्छा है। कीमत पर ये होटल अच्छा है, रूम भी सस्ते, रूम ठीक ठाक है, सस्ते में रूम भी है और सीनिक है, यहाँ से बहुत अच्छा सीन आता है। और अगर आप ठंडी में आओगे तो ये जो सारा इलाका है ना, ये बर्फ से पूरा ढका हुआ रहता है। मतलब कश्मीर आपको आना है, या तो आप आओ अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर ऐसा हो, या फिर आप ठंडी में आओ जब पूरा बर्फ़ से ढका हो। दोनों टाइम में कश्मीर का जो खूबसूरती है ना भाई साहब, एकदम बिल्कुल अलग अलग खूबसूरती आपको मिलेगा। तो मैं जाता हूँ, इसीलिए तो आए हम लोग, इसीलिए आए। अच्छा, इसका हैंडल तो देखो टूट गया है। अरे कोई बात, हैंडल टूट गया, नीचे पकड़ के खेलना होगा। चलो खेलो, विकेट तो क्या बॉल फेंके। तो भाई साहब कैसा लग रहा है क्रिकेटर बनके? अच्छा लग रहा है, कश्मीर में आके कश्मीरी बल्ला के साथ क्रिकेट खेलेंगे और कश्मीरियों के साथ। ओ, ये तो इरफान पठान निकला। तो बात बोलूँ प्रवीण, ये बॉल से मेरे को बहुत डर लगता है। एक बार लगा था ना पंजाब में, मैं साइड हो गया था। सामने कितना साल बाद बॉलिंग कर रहा।
बच्चा भूल गए बच्चा भूल गया कि अबे क्या कर रहा तू नहीं हो रहा भाई होगा 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 अबे पकड़ 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 पकड़ो मेरे को बल्ला पकड़े हुए दो हो गया होगा होगा हाथ दर्द कर दिया भाई इतने दिन बाद खेल रहे ना क्या हुआ हाथ दर्द कर रहा भाई नहीं होगा नहीं होगा मैं करता हूँ देख